क्या सुन रहा हूँ? आपने सुना, आपको पता? वाह नबुआ, क्या बात है! अजी सुनती हो, कोई आया है दरवाजे पे? कभी उठ भी लिया करो, खा पी के बस पड़े रहते हो। अरे पायल की मम्मी, ये लो मिठाई। अरे मिठाई किस बात की दीपिका जी? मेरा बेटा पास हो गया। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस! कितनी परसेंट? पूरे 45% लाया मेरा बेटा। 45? हाँ। वाह बेटा वाह, इधर आओ बेटा। हाँ अंकल, आया। बैठो। वाह बेटा, तू पास हो गए? हाँ अंकल। अरे मिठाई का पाक जाओ बेटा, जाओ। वैसे आपके बेटी का भी रिजल्ट था ना, कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। हाँ वो बस अभी आती ही होगी। अच्छा अच्छा, लो आ गई मम्मी। ये देखो मैं फर्स्ट आ रही हूँ पूरे 96% से। अरे वाह बेटा। तुमने तो हमारा नाम रोशन कर दिया। जाओ अपने पापा को दिखाओ। पापा ये देखो। वाह बेटी वाह। अरे दीपिका जी, अभी तो हमें भी आपके घर मिठाई लानी होगी। ओ जी सुनो, मार्केट जाते समय मिठाई लाना। हाँ हाँ जरूर, पहले ये तो खत्म कर ले दो। बेटा तुम बैठो, मैं आती हूँ। पायल जरा अंदर। सुनो पायल की मम्मी, मैं क्या बोल रही हूँ, बहुत हो गया ये पढ़ाना लिखाना। पायल को आगे पढ़ाना मत, वरना वो हाथ से निकल जाएगी। क्या करना है इतना पढ़ के, आगे जाके शादी करनी है, ससुराल जाना है, काम करना है। आपके भी पैसे वेस्ट, समय वेस्ट। उससे अच्छा बिठा दो घर पे, काम काज करवा लो। और मैंने सुना है लड़कियाँ ज्यादा पढ़ लिख के हाथ से निकल जाती है। अगर पायल हाथ से निकल गई तो आपकी इज्जत भी चली जाएगी। सोचो जरा मैं क्या करूँ। चलो मैं जाती हूँ, मुझे और घरों में भी पेड़े बांटने। चलो बाय। अरे बेटा कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलो बेटा। टीचर से क्या पूछ रहा था? कंप्यूटर में आपका अकाउंट है तो मैं आपको फ्रेंडशिप का मैसेज भेजूं? बोलो। उसके पहले वो टीचर से पूछ रहा था आपका घर के बजट कितने सालों से ताजमहल चल रहा है? अबे बहुत पसंद है। मिलता कैसे मिलता है बोलो। अरे पापा, वो तुम्हें गोली के लिए पूछ रहा था। चुप रहे, हमें ही जाना पड़ेगा। हर बार का हो गया ये। सवाल पूछने चाहिए। ओके मम्मी। ट्रांसफर हो गया था तो हम शिफ्ट हो गए। लेकिन मेरे बेटे की जॉब लग गई इसी शहर में, इसलिए हम आपको खुशखबरी देना है। कहाँ है आपका बेटा, दिखना नहीं है? आ रहा है, वो इंटरव्यू से यहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, आइए आइए ना, मेरे साथ बैठिए, मैं चाय लगा देती हूँ। और भाई साहब सब ठीक, कैसे हो? सब ठीक ठाक चल रहा है। अरे तुम तो बूढ़े हो गए हो। तुम कौन से जान रहे? हाँ वो भी है। पायल की मम्मी, मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ। आपको पता है मेरे बेटे को इतनी अच्छी जॉब लगी है, इतनी अच्छी सैलरी है, उसने तो हमारी लाइफ ही सेट कर दी। अरे वाह बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशंस। वैसे पायल नहीं दिख रही है, कहाँ है वो? हो गई उसकी शादी? नहीं नहीं वो बस अभी आती ही होगी। लगता है मेरा बेटा आ गया। रुको रुको मैं आती हूँ। कहाँ, वो खोल देंगे ना? इतने सालों से नहीं खोला, आज क्या खोलेंगे? क्या दरवाजा? नमस्ते आजी। नमस्ते बेटा, कितने बड़े हो गए आप। हम दोनों एक ही कंपनी में हैं, इसीलिए हम साथ में आए। अच्छा अच्छा, तुम दोनों को एक ही कंपनी में जॉब मिली।
माँ वो मिस्टर रोहन आपको अंदर बुलाएं। पायल तुम? बॉस। क्या बॉस? बॉस? हाँ बॉस, आज इन्हीं के पैसे तो मुझे जॉब मिली है। अगर आज ये नहीं होती तो मेरा ये जॉब भी नहीं होता। हमें तो इन्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए। बेटा इधर आओ। उनकी बातों पे ना ध्यान मत देना। तुम्हें जो पढ़ाई करना है करो, आगे जो करना है करो, बस हमारा नाम रोशन करो। हाँ मम्मी। मेरी प्यारी बेटी बेटी के बारे में बहुत बुरा बुरा बोला था। बेटी बहुत थैंक यू, तेरे वजह से मेरे बेटे को जॉब नहीं। कोई बात नहीं आंटी, लेकिन आज ये तो साबित हो गया कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं होती। हेलो गाइस, कैसी लगी वीडियो और वीडियो का मैसेज कैसा लगा तो शेयर जरूर करना सारे गर्ल्स फ्रेंड्स के साथ और वो खड़ूस पड़ोसियों के साथ भी शेयर करना जो हमेशा टोकते रहते। और वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाना। और हाँ, किसी वजह से मैं वीडियो में नहीं हूँ लेकिन ये वीडियो में सारे आर्टिस्ट अपने ही है, तो सबको सपोर्ट करो, इंस्टा पे फॉलो करो और मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और हाँ, हैप्पी वुमेंस डे पीपल, बाय।